दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाना पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप लिए हैं 2 उबले हुए आलू। तो सबसे पहले आप आलू को अच्छे से उबाल लीजिए, तब उसके हम सारे छिलके को उतार लेंगे। जब वो ठंडा हो जाए तब देखिए इस तरह से हम यूज करेंगे। तब यहाँ देखिए आलू को हम इस तरह से ग्रेट करेंगे। तो ग्रेटर की हेल्प से देखिए आलू को आप धीरे धीरे इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। आप चाहे तो आलू को आप मैसर से या हाथों की हेल्प से आलू को अच्छे से मैश भी करके ले सकते हैं, लेकिन उस तरह से अगर हम मैश करेंगे तो आलू में थोड़ा बड़े बड़े से लम्स रह जाएंगे, इसीलिए हम आलू को इस तरह से ग्रेट करके लेंगे। और ये देखिए दोस्तों मैंने दोनों आलूओं को बढ़िया से ग्रेट करके ले लिए हैं और आप देख सकते हैं इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो यहाँ खिले खिले साबूदाना पराठा बना रहे हैं तो इसमें साबूदाना डालना तो बिल्कुल बनता है। तो देखिए मैंने 1 कप साबूदाना लिए थे जिसे मैंने भिगोकर रख दिए थे और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो साबूदाना एकदम खिले खिले मोतियों जैसा अच्छे से फूल गया है। जब आपका साबूदाना देखिए मोतियों जैसा खिले खिले हो जाए तब आप आलूओं में इस तरह से डाल दीजिएगा। तो आज की नवरात्रि स्पेशल बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन रही है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए साबूदाना को बाउल में डालने के बाद इसमें हम आधी चम्मच के करीब देखिए बारीक वाला ये जीरा डालेंगे। थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर आने के लिए देखिए इसमें हम हींग का पाउडर डाल देंगे। बिना प्याज लहसुन इसमें डाले आप पराठा को बहुत ही चटपटेदार बना सकते हैं। और देखिए 3 से 4 बारीक कटी हुई यानी कि चॉप्ड की हुई इसमें हम हरी मिर्च को ऐड करेंगे। तो तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा यहाँ पर आप ले सकते हैं। और देखिए 1 चम्मच भरकर इसमें हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे जो दिखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। अगर आप व्रत में ये कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं खाना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, जो दिखने में इससे काफ़ी मज़ेदार से लगती है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने 1/2 कप के करीब कच्ची मूँगफली लिए थे जिसे मैंने दरदरा सा पीस करके ले लिया है। तो सारा इस टाइम पर हमें डाल देना है। अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें आप काजू का पाउडर बनाकर आप ले सकते हैं। और देखिए इसमें अपने स्वाद अनुसार इसमें हम सेंधा नमक डाल देंगे, क्योंकि हम ये व्रत वाले बना रहे हैं इसीलिए हम इसमें सेंधा नमक का यूज करेंगे। और यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा कसूरी मेथी के पत्ते लिए हैं, तो इसे हम हाथों से इस तरह से मसल कर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया का पत्ता ले सकते हैं, ऊपर से काफ़ी अच्छे सा फ्लेवर आती है उसे। फिलहाल मेरे पास अभी नहीं था इसीलिए मैं इसमें यूज नहीं कर रही हूँ। और देखिए इसमें हम 2 इंच अदरक का टुकड़ा को इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। अगर आप नहीं खाते हैं व्रत में तो आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं दोस्तों, जो काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आती है। तब यहाँ पे देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर दही लिए हैं। वैसे व्रत में दही खाना शुभ होता है, अगर आपको पसंद हो तभी आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें दही डालने से आपका पराठा काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। तब चलिए यहाँ पे हम हाथों से सभी चीज़ों को पहले बढ़िया से मिला लेते हैं। तो ये हाथों को अच्छे से वॉश करके एकदम बढ़िया से सभी चीज़ों को मिलाइएगा। वैसे अगर देखा जाए तो व्रत में ज़्यादा हम मसाले खाते नहीं हैं, अगर आपको फिर भी ऊपर से कोई मसाले डालना है या पसंद है तो ऊपर से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए हमारे साबूदाना में सभी चीज़ें एकदम बढ़िया से मिक्स हो चुकी हैं। अगर मान लीजिए आपका साबूदाना मिक्स थोड़ा सा चिपचिपा सा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा ऊपर से मिलाकर ले सकते हैं। तो व्रत स्पेशल एकदम दानेदार साबूदाना से भरे हुए मोतियों जैसा आप पराठे को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तब आप लीजिए यहाँ पे देखिए एक पॉलीथीन सीट, आप कोई बटर पेपर या कोई भी एक प्लास्टिक का टुकड़ा यहाँ पे आप ले सकते हैं। और इसके ऊपर हम हल्का सा देखिए ऑयल से ग्रीस कर देंगे जिससे कि हमारा साबूदाना इसके ऊपर चिपके नहीं। और अपने हाथों को भी ऑयल से पहले अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। तो देखिए उसके बाद इसमें हम साबूदाना का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हाथों से इस तरह से हम पहले थोड़ा सा राउंड करके और देखिए इसके सीट के ऊपर साबूदाना पोर्शन को हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे, जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं हाथों से थपथपाते हुए इस तरह से आप फैला लीजिए। और देखिए ये हाथों में ऑयल हल्का सा लगाते हुए साबूदाना को इस तरह से हम फैलाते जाएंगे, नहीं तो वो हाथों में चिपकती है, इसीलिए आप पराठे को इस तरह से फैलाते जाइए ऑयल लगा करके। और ये देखिए बिना बेले थपथपाते हुए देख सकते हैं मैंने पराठे की तरह इस तरह से बना लिए हैं। तो है ना इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान।
तो इसी तरह से आप भी फैलाते हुए स्प्रेड कर लीजिएगा। तब आइए इसे हम सेक लेते हैं। तो देखिए यहाँ गैस ऑन करके एक तवा को चढ़ाएंगे और इसमें सबसे पहले हम ऑयल से देखिए इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। जब आपका पैन अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब देखिए ये खिले खिले साबूदाना पराठे को आप पैन में इस तरह से डाल दीजिए। और गैस का फ्लेम यहाँ पे हम पूरी तरह से लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। और इसके ऊपर भी देखिए ऑयल से हम इस तरह से ग्रीस कर देंगे जिससे कि हमारा पराठा एकदम खिले खिले मोतियों जैसा क्रिस्पी होने तक सिकेगा। और देखिए जब आपका पराठा एक साइड नीचे से बढ़िया से ये सिक जाते हैं तो आप धीरे धीरे से पकड़कर इसके साइड को आप चेंज कर लीजिए। और ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा ये साबूदाना पराठा बढ़िया से सेक चुका है। तो दोनों साइड हम बढ़िया से अच्छे से सेक लेंगे। तो हम सारे पराठे को इसी तरह से फटाफट से सेक लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है आप देख सकते हैं। एकदम मोतियों जैसे खिले खिले क्रिस्पी मुचमुच पराठा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो आप इस पराठे को रायता चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो नवरात्रि स्पेशल झटपट से बनने वाली मोतियों जैसा खिला खिला साबूदाना पराठे को आप फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो तो इस वीडियो को दीजिए ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब और ये वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों खिले खिले मोती जैसा साबूदाना पराठा आज आपको कैसे लगी दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।